हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डीएलएड 2 तक ही विलंब शुल्क के साथ भराएगा फॉर्म। डीएलएड सत्र 2019-21 के प्रथम एवं सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। बिहार बोर्ड ने परीक्षा नियंत्रक विविध ने परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि में गुरुवार को संशोधन किया। बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म एवं शुल्क 30 जून तक जमा किया जा सकता है। भरे गए परीक्षा फॉर्म का ऑनलाइन शुल्क अब 3 जुलाई तक जमा करा सकेंगे। पहले यह तिथि 1 जुलाई थी। वही विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 1 से 2 जुलाई तक परीक्षार्थी भर सकते हैं। पहले विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 2 से 6 जुलाई तक भरा जाना था। परीक्षा फॉर्म में सुधार के लिए पोर्टल अब 3 से 4 जुलाई तक खुला रहेगा। पहले 8 से 11 जुलाई तक का समय दिया गया था। डमी एडमिट कार्ड 3 से 4 जुलाई तक वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। अगर डमी कार्ड में त्रुटि हो तो इसका सुधार मान्य साक्ष के आधार पर 4 जुलाई तक ही करना होगा। ठीक है, तो डेट चेंज हो गया है, तो इस डेट को ध्यान में रख के ही डीएलएड अभ्यर्थी अपना परीक्षा फॉर्म भर ले जो डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और मतलब डेट पे ध्यान दे क्योंकि डेट कम कर दिया गया। तो मिलते हो फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।